शादी हो गई तो पोती ज्यादा दूर का मत सोचा कर। तू इतना दूर का सोचती माउली, बहुत बोली है मेरी माँ। वो मैं क्या बोल रहा था सर, जो 5 महीने का बाकी है मेरे ऊपर उसका क्या? मैंने तुम्हारा बाप कोई कारगिल की जंग जीत के ना जितना खुश हो रहे हो। शाबाश, कोई मौका मत छोड़ना ताने मारने का है। क्या बात है कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हम। हेलो एवरीबॉडी, और अपा कैसी है, और खाला ठीक है ना, और बड़े भाई क्या चल रहा तुम्हारा? हाँ बे चल रही जिंदगी, खट्टी मिट्टी और क्या है। अरे छोड़ो तुम्हारा तो हमें टेंशन लेना मत है, मैं कर लूंगा। अरे लेकिन तुम बोलो तो सही कि हुआ क्या है। अरे वो सेठ ने मुझे काम पे से हटा दिया मेरी नौकरी। देखो हाँ मेरे भाई के लिए कुछ बोलना मत। हाँ, हाँ। मेरा भाई है ना बहुत अच्छा है, वो तुम्हें काम पे लगा देगा। तुमने पुकारा आपा मैं चला, तुमने पुकारा और हम चले आए जान हते। हो गया क्या तेरा नाचना गाना? ओ नाचने वाले खानदान के जा मैदान में जा, वहाँ पे नाचन का। अरे वारे वाह पतंग उड़ाने का बहुत शौक है ना, जा वहाँ उड़ा पतंग, चल निकल यहाँ से। आओ चबरी खाला। हाँ दीदी। आगा सपाट पौल्या, हो गए आप सत्यानाश। क्या काम था? अरे गनी तुम्हारे बड़े भाई की है ना नौकरी चली गई है, तो अभी तुम्हें ना इनको अच्छी सी नौकरी लगानी पड़ेगी। अरे क्या आपा, इतना सी काम इतना क्या टेंशन लेने का, उसमें समझो के काम हो गया। बड़े भाई तुम फिकर मत करो, मैं जा रहा और कल वापस आ रहा, तुम्हारे वास्ते अच्छी सी नौकरी का इंतजाम करके आता है। चलो खाला चबरी। देखा मेरा चांद सा भाई। चांद सा भाई नहीं तेरा, वो सांड सा भाई है तेरा। वो देखिए कहीं टिप्पस की बात करके गया उसने पूरी गलती ने, जैसे नौकरी है ना रोड़ों पे पड़े हुए, मेरे वास्ते नौकरी ढूंढ रहा हो, आईडी गिरे कुएं में 3 दिन मौका। देख ऐसी कर दिया तूने, हाँ तेरे मुंह पे दरवाजा मार के गई वो। अरे वाह रे वाह उसकी मजाल। आइए आइए। अरे मेरे बाप क्या हुआ? बड़े भाई ओ, क्यों मुंह छुपा रहे? अरे ये वही सेठ है जिसने मुझे काम पे से हटाया। अच्छा तो ये वही है जिसने लात मार के काम से निकाला, बंद किया तकदीर का ताला, छीन लिया मुंह से निवाला। मेरी किस्मत में आया दुआर मौका साला। चुप बैठ ए, मैं क्या बोल रहा हूं, अकाल लकाल। मगर बड़े भाई ओ, ये वही सेठ है जिसके घर की हम सत्यनारायण की पूजा करने को आए। मैं सलटाता रुको ना। आओ ना सेठ जी, आओ आइए सेठ जी, आइए बैठिए बैठिए। ये आ गए पंडित जी। सत्यनारायण की पूजा, तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, भगवान करे तुम्हारी कमाई डबल टिबल चौबल हो जाए, सत्यनारायण की कृपा बरसती रहे। ये पंडित जी ने अपना मुंह क्यों छुपाया? अरे पंडित जी किसको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे ना है? अरे मेरा मतलब है कि पंडित जी बहुत शर्मीले हैं, बहुत ज्ञानी पंडित है। सत्यनारायण की पूजा संपन्न हुई। ये आवाज कहीं सुनी सुनी लग रही है। हाँ जरूर सुनी होंगे आपने, अरे बहुत मशहूर पंडित जी है, इंडिया के अंदर 250 टीवी चैनल है, मगर पंडित जी 300 टीवी चैनल पे आते। आपने उनको टीवी चैनल पे सुना होगा या देखा होगा या मेरे ख्याल से एफएम पे सुना होगा आपने। ये नारियल घर के मालिक को दे दो और बोलना कि एक धागा इधर से बांधो, एक धागा इधर से बांधो, एक सीधा नीम के झाड़ पे, एक सीधा आम के झाड़ पे बांधो।
पंडित जी ने दक्षिणा भी नहीं ली अपनी। अरे वो क्या है ना सेठ जी, पंडित जी बहुत शर्मीले है, मुझे है ना उनको घर ले जाके देना पड़ता है। तो एक काम कीजिए, आप दक्षिणा मुझे दे दीजिए, मैं ले आके पंडित जी को दे दूंगा। अरे मैं क्या बोला सेठ जी, वो एक धागा यहाँ का एक धागा वहां का, कहाँ ढूंढे बैठेंगे तुम? 1000 रुपए मेरे को ज्यादा दे दो, मैं ले आके बांध देता वहां पे। वो नारियल चले सर जी, चलता हूँ। ओके, एक नीम का एक आम का। अरे रुकता क्या, ला बता कितने पैसे दिया उसने। अरे तो दे रहा ना बड़े भाई, इतना क्या उतावला पना उठाया तुमने। आवारा करो, तेको मालूम है ना मेरा हिसाब, घर को घर खाओ, हिसाब को बरोबर रहो। चलो पैसे बता। नहीं तो क्या, पैसे आए तेरी तो गाड़ी ऐसी तुराट भाग रही जैसे पेट्रोल डाल दिया किने। चला ये लो पकड़ो, पूरे 5000 है। एका दोना तीना चारा पांच। अरे आपा देखो मेरी कितनी फिकर है, इसमें जहर तो नहीं था? जहर नहीं तो? अरे तो डाल देना था थोड़ा सा, कम से कम साला किट-किट खत्म हो जाती थी। ओ बड़े भाई ये रिकामे बातें बंद करो और टोच मार करना बंद करो, समझा दे रहा तुमको है? चलो पैसे दो आपा को। दिए था ना नीता तेल। ओ बड़े भाई पूरे 5000 रुपया दो, 2000 रुपया खोसो मत हो, दो। जीनिया जी आप ऐसा करेंगे, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, अच्छा हुआ मेरा भाई साथ में था। ले। हाँ कर दे मेरे बेटे को नंगा। हाँ? कर दी खीसे खाली। हाय दया बेटा, देख बड़े बुड्ढे सही कहते थे, खेत में नाला नहीं होना और घर में साला नहीं होना। अब देख भाई तेरा संसार है, तुझे देखना है, देख अब तू। ओ बड़े भाई, अरे क्या खाला की बात का इतना टेंशन ले रहे हो, छोड़ो जान तो होते रहता ना। अरे मैं क्या बोल रहा बड़े भाई, चलो ना बाहर चल के कुछ अच्छा बुरा खाते ना। अच्छा बुरा खाते, फतरे खा रहा गया, पैट खा रहा फसली में। बुद्धि गत के सारे खीसे तो तूने खाली करने लगा दिया, बोलने लगा रहा। अरे सुनिए सुनिए तो, हर लड़की पहली बार ऐसे ही शर्माती है, मगर तुमको मेरी कसम दिल में कुछ मत रखो, बोल दो ना। कैसे बताओ, मैंने अभी अभी आपको पंडित जी के साथ देखा। कहीं तुम शादी की बात तो नहीं कर रही हो? इसके लिए ना मैं भी तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ। हाँ हाँ सही कहा आपने, शादी की ही बात करनी है, मगर मेरी नहीं मेरी सहेली की शादी की बात करनी है। क्या तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं अभी मेरी शादी नहीं हुई है। अब तो कर लेना एड़ी, क्या मुच्छे निकल जाएंगे जब करेंगी। कुछ कहा आपने? अरे नहीं नहीं मैं ये बोल रहा था कि कब करनी है आपको आपकी सहेली की शादी। जब भी करनी है मैं आपको बताऊंगी। अच्छा 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 ठीक है, शादी जब बताना रहेगी तब बता देना, अभी आपका नाम तो बताओ। शालू। शालू बड़ा प्यारा नाम है आपका, चलिए फिर मिलते हैं शालू जी, बाय। गनी चल यहाँ से चल, मेरे को यहाँ का कुछ सच्चा नहीं दिख रहा। क्यों बड़े भाई क्या हुआ? अरे गेट अपने आप खुल गया। अरे बड़े भाई क्यों डर रहे तुम,
गेट अपने आप नहीं खुला, हवा से खुला। अरे बड़े भाई मैं है ना तुम्हारे साथ। अरे इसी बात का तो डर है मेरे को कि तू है मेरे साथ। चलना। अरे चलो तुम, मैं निपट लूंगा, चलो। के? मेरा कलीजा मुंह को आ गया। मोदी घट के खुद भी डरा, मेरे को भी डरा रहा तू। यानी अभी भी टेम है, चलना। अरे क्या डर रहे बड़े भाई, यहाँ काम करेंगे तो दो पैसे मिलेंगे। सोचो अगर खाली हाथ घर पे गए तो आपा मार मार के हमारा कचुंबर निकाल देंगे। चलो ना, जान है तो जान है रे। अरे चलो हो, क्या डर रहे तुम बड़े भाई, चलो। अरे बाप, ये भी दरवाजा अपने आप खुल गया। अरे क्यों डर रहे बड़े भाई तुम, मैं है ना। पंडित जी आप? हाँ।